अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, अल्लाह हर घर में बीमारी से बचाओ, हर घर में शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, हर बच्चे का नेक नसीबा करे। आमीन सुमा आमीन। और जो लोग दुआ के लिए बोले हैं उन सबके लिए मैं दुआ कर रही हूँ और मेरे लिए भी दुआओं में याद रखिए। आमीन सुमा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में चिकन मंदी की रेसिपी लेके आए हैं। उसके लिए मैं चिकन ले ली, चिकन के पीसेस ले ली, देख सकते हैं बड़े बड़े ऐसे पीसेस करा ली मैं। देखिए ऐसे चिकन के पीसेस है, ये पूरे बड़े बड़े करके इसको कट कर ली मैं, कटा लगा ली। चिकन है ये, चावल है आधा किलो, हरी मिर्ची का पेस्ट है 4 टीस्पून, 1 कप प्याज है, चॉप प्याज करी हुई है ये, नमक है 1.5 चम्मच नमक का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, लाल मिर्ची का पाउडर ऑप्शन है, हरी मिर्ची का पेस्ट ज़्यादा लगता है इसमें इसलिए मैं हरी मिर्ची का पेस्ट पे रखी है, असली घी है ये, मीठा तेल है ये ड्राई फ्रूट्स है अपन ऊपर डेकोरेशन के लिए डालते हैं, ये काजू है, ये बादाम है, किशमिश है, खजूर है, ये खड़े गरम मसाले है, एक ये काला नींबू खरीब की शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा, दवासास की दुकान पे भी मिलता है ये एक नींबू है, ये सौंफ है 1 फुल चमचा सौंफ का है, ये 1 चमचा धनिया साबित धनिया है, ये जोत जौफरी है, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 8 से 10 टुकड़े, काली मिर्ची है ये आधा चमचा लौंग है, ये दालचीनी के टुकड़े है, तेज पत्ता है। अभी अपन ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं मैं पूरा पाउडर बना ली इसका, ये मंदी मसाला पाउडर है ये, अब अपन बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं ये चिकन है, पहले चिकन मैरिनेट कर लेंगे अपन। फर्स्ट है ये, पहले नींबू का रस ऐड कर दे रही मैं, आधा नींबू है ये पूरा, नमक है ये, नमक का पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपन। नींबू का रस ऐड कर दिया अपन, इसमें नमक ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से ऐड कर दिया, अच्छी तरह से इसको लगा देंगे, मैरिनेट कर देंगे इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट अपन इसको अच्छी 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं मैं एक भगोना रख ली, गैस ऑन कर ली मैं, चलिए देख सकते हैं गैस ऑन कर ली मैं, इसमें तेल ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टीस्पून डालेंगे अपन इसमें तेल, प्याज ऐड कर देंगे, तेल अपना गर्म हो चुका है, प्याज ऐड कर देंगे अपन, प्याज को अच्छा ज़्यादा नहीं पकाना, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका, बिल्कुल लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाना खाली प्याज, उतना ही अपन गोल्डन करेंगे। चलिए अपनी प्याज जरी जरी हो रही देख सकते हैं, अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे अपन इसमें, लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही मैं, 1 फुल टीस्पून है ये लहसुन का पेस्ट, और इसमें लहसुन का पेस्ट ही डालता है इसमें, अदरक लहसुन नहीं डालता इसमें, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अपन प्याज को और लहसुन के पेस्ट को। चलिए भुने गए ये, नेक्स्ट अपन सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर है, लाइट ऑप्शन है आपका, नहीं अगर डाल सकते तो डालिए नहीं तो मत डालिए, नमक है, हल्दी पाउडर है, ये मंदी मसाला पाउडर है, हाफ डालेंगे अपन इसमें, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे,
चलिए अपना चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करके अपने पूरा 1 घंटा हो चुका है। चिकन के पीसेस लेके अपन इसमें डाल देंगे। तो अच्छा भून लेंगे चिकन के पीसेस को। पूरा मैरिनेट इसमें लग जाना पूरा, ये भी मसाला पूरा अच्छी तरह से। फाइव मिनट तक ऐसी ही छोड़ देंगे ढक्कन ढाप के अपन। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी। देख सकते हैं 5 मिनट्स हो चुके हैं, सारा मसाला अच्छी तरह से चिकन को लग चुका है। अब इसमें अपन हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। पानी ऐड कर देंगे, आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड डालेंगे। आपको पानी डाली मैं इसमें, अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे पानी के अंदर ही। चिकन पूरा अपना गल जाना पानी के अंदर और मसाला पूरा चिकन में जब्स हो जाना, तब पका लेंगे। और ये मेरे पास चिकन ट्यूब, ये है चिकन ट्यूब्स है, ये अपन इसमें डालेंगे। चिकन ट्यूब्स खरीब की शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको चिकन ट्यूब्स। इसको ऐसे टुकड़े करके पीसेस करके डालेंगे अपन इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसको अच्छा पका लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट्स तक इसको पका लेंगे। इसका ढक्कन ढाक देंगे अपन, फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको। अब इसको अपन ये काला नींबू डाल देंगे इसमें पकते वक्त। आप चोर के भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, मैं वैसे डाल दे रही हूँ। साबित पूरा 1 नींबू है ये, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये आपको खरीब की कहीं भी दवा सस की दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा आपको ये नींबू, ये काला नींबू। अक्सर ये बाहर बहुत अच्छा है, सऊदीया में वहाँ बहुत अच्छा मिलता है ये नींबू, खुशबू बहुत अच्छी रहती इसकी। चलिए देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक रहा। अभी अपन 5 मिनट्स के लिए ऐसी मीडियम आंच पे रख देंगे इसको। अच्छा चिकन अपना अच्छा पक गया जैसा, और पूरा मसाला अच्छा जब हो गया वैसा। अब नेक्स्ट अपन जब तक ये वह तक अपन नेक्स्ट फिर बताऊंगी मैं। एक फ्राई पैन रख ली मैं, फ्राई पैन रख ली अपन, ड्राई फ्रूट्स इसमें कर लेंगे अपन। फ्राई पैन में अपना जब तक चिकन गले तक इसमें घी ऐड कर दे रही हूँ। 2 टीस्पून घी है ये असली घी। इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ, काजू है, बादाम है, किशमिश है, सभी चीजों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अपन। गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका, किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मंदी बनाना बहुत आसान रेसिपी है, लोग बोलते हैं अम्मा मंदी कितनी हार्ड है कि, मगर बहुत इजी रेसिपी है मंदी की रेसिपी। अपन बिरयानी से आसान बन जाती मंदी की रेसिपी। बस इतना है, गोश्त अच्छा गलना, मटन रहन दो या चिकन रहन दो, अच्छा गलावा अच्छा रहना तो बहुत टेस्टी बनती मंदी अपनी। और इंग्रेडिएंट्स अच्छे रहना पूरे इसमें, बाजार जैसे मंदी स्टोर जैसा अपन वैसा घर पे ही बना सकते अपन। चलिए अब ये सारे तले गए अपन निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल ले रही मैं। चलिए अपने ड्राई फ्रूट्स तले गए अपन, ये चिकन गलने के लिए रख दिए। जब तक अपन मंदी की चटनी बना लेंगे उसके लिए मैं मिर्ची हरी मिर्ची पीसी भी ऐड कर दी। ये टमाटे है, 2 से 3 टमाटे ऐड करेंगे अपन। आप अपने हिसाब से बनाइए टमाटे जितने आपको लगती चटनी। 3 टमाटे हैं ये, 4 से 5 लहसुन के कलियां हैं ये, ये कोथमीर है, खाली कोथमीर डलती इसमें, पुदीना नहीं डलता। अब इसको ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके फिर आपको दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, एकदम बारीक नहीं करना है इसको ग्राइंड। इसको ग्राइंड करके फिर बताऊँगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं अपनी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे अपन, 1/2 टीस्पून नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार
ऐड कर सकते हैं नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये अपनी चटनी भी बन के रेडी है, ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो चुके हैं। अब चिकन देखेंगे अपन। अब चलिए देखेंगे, चेक करेंगे अपना चिकन गल गया क्या। अच्छी तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन, पूरा मसाला, चिकन मसाला पूरा अब्जॉर्ब हो गया। देखिए आप इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा गल भी गया चिकन अपना, अच्छी तरह से हो गया चिकन। देखिए देख सकते हैं अच्छा गल गया अपना चिकन। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अपन। चलिए एक प्लेट में निकाल ले रही मैं इसको। अच्छी तरह से गल गया अपना चिकन के पीसेस, देख सकते हैं माशाल्लाह। क्या है, अपन वैसी ही भी बना सकते हैं तल के भी, मगर इसमें क्या है, जो ये मसाला पूरा इसमें जाने से जो टेस्ट आता वैसा टेस्ट नहीं आता फिर अपने चिकन में, चिकन फिक्का रहता, इसलिए इसमें ही पकाने का टेस्ट अलग ही रहता। चलिए इसमें ही अपन ये चावल ऐड कर देंगे गेज पानी में। तो ज़बरदस्त बन के रेडी होती है अपनी मंदी। आप ज़रूर घर पे ट्राई करिए प्लीज़। जो मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ कर लीजिए, जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लाइक भी नहीं कर रहे प्लीज़ लाइक करिए। बहुत आसान है लाइक करना, जो थम्स अप का बटन रहता है उसको प्लीज़ प्रेस कर देना है, रहता खाली आपको। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही। तो चलिए अपन इसको अच्छी तरह से ढक्कन ढाप के 5 मिनट्स के बाद दम देंगे अपन। चलिए साइड में अपन रख लिए चावल पकने के लिए, जब तक अपन अपना चिकन फ्राई कर लेंगे। ये ग्रिल पैन रख ली मैं, इसमें अपन ड्राई फ्रूट्स तले, सो तेल है, घी है, ये घी अपन इसमें ऐड कर देंगे पूरा। अब ये चिकन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे इसमें। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे चिकन का अपन इसमें। चलिए देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से पलटा लेंगे अपन। नीचे से अच्छा पक चुका है, पलटा लेंगे इसको। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होना है इसका, मीडियम आंच पे करेंगे इसको। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, ऐसे ही पूरा गोल गोल राउंड राउंड करके पूरा अच्छा फ्राई करेंगे इसको। कहीं भी ज़रा भी छुटना नहीं है, नहीं तो पूरा मसाला भी अच्छा अंदर चिकन में चले गया, चिकन भी अच्छा गल गया। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है ये, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए। ये बुश कलर है, बुश कलर को मैं ऐसा मिक्स कर ली पानी में, इसको लाइट अपन थोड़ा सा का हल्का कलर देंगे इसको, इसे बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा दिखता कलरफुल। थोड़ा सा दे रही मैं इसको कलर, देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया अपने चिकन का। जरा सरका दी मैं खाली कलर इसको, ऐसे ही पलटा लेंगे फिर इसको, फिर पीछे भी ऐसे ही कलर लगा लेंगे इसको। अच्छा फ्राई करना अपन, जरा सरका देरी में खाली कलर जरा जरा लगा रही इसको कलर में, बहुत नहीं लगा रही कलर। चलिए अच्छी तरह से फ्राई करके फिर बताऊंगी। चलिए देख सकते हैं अपना चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कलर भी अच्छा आ गया इसको, गोल्डन भी हो गया इन्हें अच्छी तरह से। अब इसको साइड में रख लेंगे, चावल को देख लेंगे अपन एक नज़र। चलिए चावल को देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा, देखिए पानी पूरा जर्द हो गया माशाल्लाह, चावल भी अच्छे हुए अपने। आइस तगी से पलटेंगे इसको, ज़्यादा ऐसा ज़ोर ज़ोर से नहीं पलटाना है क्योंकि चावल अपने टूटने का डर रहता। इसको अच्छा दम दे देंगे अपन मीडियम आंच पे, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं आपको।
चलिए देख सकते हैं चावल अपना अच्छी तरह से दम हो चुका है। अब अपन इसमें येलो कलर डालेंगे, लाइट लाइट येलो कलर डाल देंगे इसमें अच्छी तरह से, देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें चिकन रखेंगे, चिकन के पीसेस माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट अपन एक कटोरी रख रही मैं बीच में, ये कोयला सिलगा ली थी मैं पहले से, घी ऐड कर देंगे अब इसमें। पहले साइडों से भी डालेंगे अपन घी अच्छी तरह से, घी से खुशबू बहुत अच्छी आती। नेक्स्ट अपन ये कोयले पे थोड़ा सा घी डाल देंगे, धुआं हो गया है, 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद बताऊंगी मैं। चलिए देख सकते हैं 5 मिनट्स हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब सर्व करके बताऊंगी मैं आपको। चलिए अब सर्व करेंगे मैं सर्विंग, ये मंदी प्लेट है, ये देख सकते हैं मंदी प्लेट है, इसमें सर्व करूंगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ। चावल को ऐसा पलटा लेंगे अपन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाइए। देख सकते हैं कितना अच्छा चावल बन के रेडी हुआ अपना, कितना अच्छा खिला खिला बना, देखिए चावल अपना। चलिए सर्व करेंगे अपन चिकन के पीसेस से ये। मंदी की चटनी है अपन बना के रखे थे चटनी, ये ड्राई फ्रूट से, ये खजूर है, आप चाहे तो खजूर को भी फ्राई कर सकते हैं, मैं नहीं करी फ्राई खजूर को, ये ड्राई फ्रूट्स है पूरे अपन फ्राई करके रखे, सो पूरे ड्राई फ्रूट्स है ये माशाल्लाह। कितना अच्छा बन के रेडी हुआ देखिए अपनी मंदी। ऊपर से अपन घी ऐड करेंगे ऐसा, प्याज है ये, माशाल्लाह अपनी मंदी बन के रेडी है माशाल्लाह। देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी, कितनी कलरफुल जबरदस्त मंदी। बाहर आप मंदी शॉप पे कहीं भी ऐसी ही मिलेंगी, देखिए आप प्लीज जरूर ट्राई करिए। देख सकते हैं चावल कितने अच्छे बने अपने, मैं ट्राई करके बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टेस्टी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई अपनी मंदी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं, दुआओं में याद रखिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बोल सकते हो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं करे प्लीज़ करिए सब्सक्राइब। चलिए अल्लाह हाफिज़।